हेलो जी नमस्कार सलाम सत वंडरफुल सेशन ऑफ अन अकेडमी नीट लाइव डेली अन अकेडमी आपका अपना चैनल भारत का अपना एजुकेशनल चैनल और मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर आपके सामने हूँ जी एक और बेहतरीन सेशन लेकर के एनसीआर टी एट योर फिंगर टिप्स और आज हम बहुत ही बढ़िया चीजें डिस्कस करेंगे एनिमल किंगडम में से एनिमल किंगडम में एनसीईआरटी में जितनी भी बेहतरीन बातें लिखी हुई हैं वो सब आपके साथ डिस्कस करूंगा जिसमें हम डायग्राम्स भी पहचानेंगे जो इमेजेस हैं या डायग्राम्स हैं एनिमल है कॉमन नेम जोअलॉजिकल नेम पिछले सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एनिमल किंगडम में से वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे एक बार स्क्रीन पर नजर डालते हैं जी कौन कौन जुड़ चुका है मधु आई एम ऑलरेडी दे रहे मधु जी का कहना है कि सर जल्दी आ जाइए हाई मधु अहमद अमन अनुष्का वाहिद उमर फारूक वैष्णवी युक्ता आफरीन अलीना वांडरफुल जी ग्रेट नाइस टू सी यू ऑल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए ज़्यादा लोगों के ज़्यादा मज़ा आएगा सिंपल है ना एन सी आर टी एट योर फिंगर टिप्स के नाम से पहले भी बहुत सारे सेशनस हो चुके हैं और आप ज़रूर अटेंड कर लीजिएगा वो आई I मीन mean, जिन लोगों ने नहीं देखे हैं एक बार प्ले लिस्ट चेक कीजिए एन सी आर टी एट योर फिंगर टिप्स के नाम से एब्रीवेशन है मैंने आपके साथ एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पार्ट वन फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पार्ट टू जेनेटिक डिसऑर्डर्स और आज आपके लिए लेकर के आया हूँ एनिमल किंगडम इन uh, इस लेक्चर में देखना पूरे का पूरा हमारा क्विक रिविजन हो जाएगा एनिमल किंगडम का राइट right, मेरे बेटा हाँ जी हेलो सौम्यदीप हेलो संकेत उमर जयंत अविज्ञान आयुष्मान कीर्ति अनुष्का संकेत सुरभि प्रणव अहमद वांडरफुल आप सबका स्वागत है जी तहे दिल से हमारे इस बेहतरीन चैनल में जिसका नाम है अन एकेडमी नीट लाइव डेली आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं आपको दिख रहा है एनिमल स्टारफिश स्टारफिश का जोअलॉजिकल नेम बता सकते हैं कोई जल्दी से अविज्ञान शहाना उमर फारूक पार्थ सचिन शर्मा अलीना अनुष्का अरघा हवा यू अर्घा राइट जी चले जी हंड्रेड से ऊपर लोग होने वाले हैं तो फिर अब शुरुआत करते हैं जल्दी से मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर 20 साल से ज्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस इंडिया के इस बेहतरीन टीम के साथ आपके भविष्य को उज्जवल बनाने में आपके साथ हूं इंस्टाग्राम ये हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है बेटा आप इस पर हमें जरूर फॉलो कीजिए डेली हम इसमें नए अपडेट्स नए अपडेट्स डालते हैं नई इंफॉर्मेशन डालते हैं क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आपसे इसमें एक्टिवली आप इसमें खुद पार्टिसिपेट कर सकते हैं एट द रेट अन अकेडमी नीट ऑफिशियल जरूर फॉलो कीजिएगा आगे बढ़ते हैं जी टेलीग्राम का ऐप अप, अपने सेल फोन में डाउनलोड कीजिए टाइनी यू आर एल डॉट कॉम स्लैश नीट लाइव चैट टाइप कीजिए आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे ये आपके मोबाइल के लिए एक बेहतरीन फीचर है आप टाइनी यू आर एल डॉट कॉम स्लैश नीट मोबाइल टाइप करें आपको जितने भी लेक्चर्स हैं ना उनका पूरा इंडेक्स एक ही पेज में मिल जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी का अनअकेडमी सब्सक्रिप्शन लाइव क्लासेस यू कैन इंटरैक्ट विद योर एजुकेटर बात कर सकते हैं आप हमसे डायरेक्टली अपने डाउट पूछ सकते हैं लाइव पॉलिंग सेशंस होते हैं आपको अपना स्कोर इमीडिएटली पता चलता है जैसे मैं क्लास में कोई भी क्वेश्चन पूछता हूँ जब लाइव क्लास में सब्सक्रिप्शन मॉडल पर जो है जब भी बच्चे जवाब देते हैं तो थ्रू आउट इंडिया जितने भी बच्चे होते हैं इमीडिएटली आपको अपना रैंक पता चल जाता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं रेगुलर टेस्ट सीरीज हैं एनालिसिस हैं डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं इंडिया की बेहतरीन टीम के यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं आप सब्सक्रिप्शन लेने के बाद किसी भी एजुकेटर से पढ़ सकते हैं ऐसा नहीं है कि कोई सिलेक्टेड एजुकेटर से पढ़ना है आप किसी से भी पढ़ सकते हैं राइट चलिए एनअकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए करना क्या है आपको अपने सेल फोन में एनअकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है प्लस वाले सेक्शन में जाना है नीट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है एंड सिंपल आपको जो कोड सेलेक्ट करना है सब्सक्रिप्शन के लिए चिन लाइव सिंपली आप एक कोड अप्लाई करेंगे और आपको डिस्काउंट मिलेगा वन ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है ट्वेंटी सेवन थाउजेंड है राइट right? जी बहुत ही नॉमिनल है वो सचिन लाइव कोड है और फीस में डिस्काउंट इंडिया के बेहतरीन एजुकेटर से पढ़ने का मौका चलो अब बढ़े आगे Wonderful जी सौ से ज्यादा लोग हो चुके हैं हाँ जी जयंत बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं जी अनुष्का अमरदीप शियान सचिन शर्मा शियान फिर आज जबरदस्त खेलना है प्यारे प्यारे लाइक्स आपके आ चुके हैं अब हम आगे बढ़ते हैं कोटेशन देखते हैं क्या है मेरे पास आज कोटेशन है आपके लिए देर आर नो लिमिट्स टू वॉट यू कैन अकम्प्लिश एक्सेप्ट द लिमिट यू प्लेस ऑन योर ओन थिंकिंग मतलब इंसान क्या कर सकता है शायद वो स्वयं ही नहीं जानता कोई लिमिट नहीं है इस चीज का लिमिटेशन यहां जरूर हो जाती है कि आप अपनी सोच जो है उसी को छोटा रख बैठते हैं अपनी सोच को बड़ा रखिए अपने आप कायनात की पूरी एनर्जी लग जाती है आपके उस सपने को साकार करने के लिए सहमत है आप मेरी इस बात से बोले चंदन अनिता यू एग्री टू दिस चलो आगे बढ़ू अब स्टार्ट कर दें एक बार आप अपने थम्स अप साइंस मुझे भेज दीजिए गायत्री जी आपकी तरफ से इशारा हो जाना चाहिए कि सर अब क्लास शुरू कर दीजिए वार्म अप सेशन हो चुका है सभी राजा बेटा और बेटियां आ चुकी हैं ज़्यादा लोगों को आप जोड़ते रहिएगा साथ साथ हाँ जी बताइए जल्द ही से अलीना प्रणौती सुमन अनम वेरी गुड प्रणय ने यह भी बता दिया कि इकाइनो डॉमेटा का मेंबर था एसटी क्लास है एस्टीरिया रूबन्स पूरा नाम होता है पुनीता सुमन यस जयंत ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी का कोई लिमिटेशन ही नहीं है चलिए राजा बेटा आपके थम्स अप साइंस मुझे मिल चुके हैं तो आपकी तरफ से इशारा हो गया है बिगुल बज गया है कि सर शुरुआत कीजिए तो सुन लीजिए मैं आपको एक बार फिर से ढेरों गुड विशेष दे रहा हूँ और अच्छे से ये सेशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे ये मोनोलॉग नहीं ये डायलॉग होना चाहिए मतलब दोनों तरफ से सवाल मेरे और जवाब आपके लगातार आते रहने चाहिए आपका नाम मैं बीच बीच में लेता रहूंगा चलिए जी स्क्रीन पे देखते हैं एनिमल किंगडम घबराना नहीं है एनिमल किंगडम वाले टॉपिक से स्कोरिंग है एन के बियॉन्ड बहुत ज़्यादा चीज़ें कुछ नहीं पूछी जाती इसमें से है ना थियोरेटिकल सा पोर्शन है इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है इसका कोई एप्लीकेशन वाला पार्ट तो है नहीं कि कोई घुमा फिरा के चीज़ पूछ लेंगे थोड़ी सी मुश्किल जो आपको इसमें होती है वो हो जाती है जोअलॉजिकल नेम कॉमन नेम याद करने में और कोई ना कोई टिपिकल फीचर को रिलेट करने में आज के सेशन में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको साथ के साथ में सारे नाम भी याद करवा दूं और जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं अमित बेटा वो भी आपको याद हो जाएंगे ठीक है हरीश दैनिक संकेत विमलेश अनु जयंत अमन तपोजिता शियान शियान बिल्कुल एक्साइटेड है आज बेहतर परफॉर्म करने के लिए चलो जी शुरू करें वाल हेयर वी गो इन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए इनके बारे में जो बातें आप मुझे बताएंगे कौन से फाइलम के मेंबर्स हैं ये ये कौन से फाइलम के मेंबर्स हैं और उनका नाम भी लिखा है दिस इज़ पिक्चर ए बी एंड सी आपको एनिमल को देख के पहचानना है ए क्या है बी क्या है सी क्या है तीनों के नाम आप मुझे बताएंगे राइट right जी फाइलम गैस करना है और फाइलम के साथ साथ आपको गैस करना है इन एनिमल्स का नाम भी आनम कुरेशी वेरी गुड जी आकाश ने आंसर दे दिया आकाश तुम हमेशा शो जीत जाते हो दैट इज uh, पौरी फेरा बिल्कुल सही कहा आपने जी पौरी के मेंबर्स हैं राइट right, जी सो so, ये पौरी फेरा के मेंबर्स आपके सामने हैं फाइलम पौरी फेरा वेरी गुड पवन आपने भी सही कहा है शियान सौम्यदीप कीर्ति रूपाली प्रतिभा एकदम सही फाइलम पौरी फेरा इंक्लूड्स स्पॉन्जेस पॉरी स पोर्स एंड फेरा मीन ब्यूर इस फ़ाइलम के जो जानवर हैं इनके शरीर पे छेद होते हैं विच आर कॉल्ड ऑस्टिया राइट कैनाल सिस्टम इनका एक इंपॉर्टेंट फीचर है अर्घा बिल्कुल ठीक कहा आपने अब आप उनके नाम भी देख लीजिए द एनिमल ए जो मैंने ए लिखा था दैट इज व्हाट इज साइकॉन साइकॉन इज आल्सो कॉल्ड क्राउन स्पॉन्ज राइट नेक्स्ट वाज यू स्पॉन्जिया द कॉमन बाथ स्पॉन्ज सो बी इज यू स्पॉन्जिया एंड सी इज स्पोंजिला स्पॉन्जिला के बारे में बेटा जी खास बात याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दिस इज फ्रेश वॉटर स्पॉन्ज स्पॉन्जेस जो है वो जर्नली मेरीन होते हैं राइट right? लेकिन कुछ स्पॉन्जेस ऐसे भी हैं जो फ्रेश वॉटर में पाए जाते हैं क्लियर है राजा बेटा आपने बिल्कुल सही कहा है साइकॉन गुप्ता ब्रदर्स ने कहा साइकॉन बात स्पॉन्ज एंड यू स्पॉन्जिया ना क्विकली मुझसे बातें सुन लीजिए पोरिफरा फाइलम में जो तीन नाम है आपको अच्छे से पता होने चाहिए साइकॉन इज क्राउन स्पॉन्ज

is स्पॉन्जेस का स्केलेटन जो है पूरी बॉडी में जिन्हें करता है।, के पानी बाहर निकल जाता है लगातार उनके शरीर के अंदर पानी का वाटर का सर्कुलेशन बना रहता है जिसे हम कह देते हैं वाटर कैनाल सिस्टम या एक्वीफेरस सिस्टम दिस इज दाइफ लाइन ऑफ द स्पॉन्जेस इसी के जरिए स्पॉन्जेस के शरीर में ऑक्सीजन न्यूट्रिशन एंड इवन स्पर्म भी एंटर करते हैं एक खास तरह के

फ्लैजला जो है बीटिंग ऑफ द फ्लैजला मेंटेन दॉटर करंट मान लीजिए यह रहा एक को रहा को फ्लैजला बेटा द फ्लेजिला इज गोइंग टू कैप्चर द फूड पार्टिकल फ्लैजला स्पर्मस को भी कैप्चर करता है और ये जानवर हमें फोडाइट होते हैं द सेम इंडिविजुअल प्रोड्यूज मेल एंड फीमेल गैमिट स्पॉन्जेस में फर्टिलाइजेशन इंटरनल है बॉडी वॉल में स्पॉन्जेस के लार्वे भी होते हैं यानी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है पेरेंट का लार्वा पाया जाता है एम्फी ब्लास्टूला पाया जाता है राइट right? सो so ये कोवेनोसाइड सेल्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है फोजिया ने यश वर्मा ने विलियम जयंत अनुष्का गुप्ता ब्रदर्स पुनीता कैलाश अलीना वांड बिल्कुल सही जवाब है बच्चे चलिए सो so, इस तरह के आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं हैं आगे बढ़ते हैं। एक और सन 2015 में पूछा गया है ये बॉडी हैविंग मेशवर्क ऑफ सेल्स इंटरनल कैविटीज लाइन विद फूड फिल्टरिंग फ्लेजेड सेल्स एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ये कौन से एनिमल्स के फीचर हैं वो किस फाइलम को बिलोंग करते हैं मोलस का प्रोटोजोआ सीलेंट्रेटा या पोरीफेरा ऑप्शन नंबर आना चाहिए जी आपकी तरफ से जल्दी से बेटा जी कम ऑन क्विकली प्यारे प्यारे लाइक्स बढ़ाते रहिए एनर्जी का संचार होते रहना चाहिए नित्या पवन रसिका अलीना विलियम अनु एकदम सही जवाब है जी ये फीचर्स हैं पोरीफेरा फाइलम के फाइलम पोरीफेरा डी आंसर है रूपाली आपने ठीक बोला बेटा सो टू थाउजेंड फिफ्टीन में पूछा गया क्वेश्चन जिसका आपने सही जवाब दिया क्या बोलते हैं बेटा यह भी आपको बताया था पैराजुआलॉजी स्टडी ऑफ स्पॉजेस पैराजुआलॉजी बिकॉज स्पॉन्जेस को पैराजुआ ग्रुप में भी रखा जाता है पैराजुआ वर्ड का मतलब होता है साइड एनिमल्स स्पॉन्जेस है तो कहा जाता है कि स्पॉन्जेस आर ऑन अ ब्लाइंड ब्रांच ऑफ इवोल्यूशनरी ट्री राइट बच्चे चलो नेक्स्ट देखते हैं जी नाउ ये कुछ इमेजेस हैं आपके सामने आपको दो बातें बतानी है यहां पे किस फाइलम का जिक्र हो रहा है ये एनिमल्स या ये स्ट्रक्चर किस फाइलम को बिलोंग करते हैं और ए बी एंड सी ये क्या है ए बी सी यहां फिल करेंगे पहले तो जवाब दीजिए फाइलम कौन सा है अनुष्का जी आनम कुरेशी बताइए फाइलम कौन सा बेटा यस अभी तक जवाब आया नहीं है पैराजोलॉजी लिख रहे हैं अभी तक फाइलम का जवाब दीजिए जल्दी से सेम मैसेज को पेस्ट मत कीजिए निडेरिया आई थिंक अर्घा ने शायद जवाब दिया सबसे पहले दिस इज़ फाइलम निडेरिया और निडेरिया फाइलम को ही बेटा जी सीलेंट्रेटा भी कहते हैं निडेरियंस की स्टडी को नाइडोलॉजी बोलते हैं Nideria नाम कहाँ से डिराइव्ड है क्योंकि इसमें खास तरह के सेल्स पाए जाते हैं और वही खास तरह के सेल का मैंने आपके लिए डायग्राम यहाँ पे पेस्ट करा है दिस इज इंपॉर्टेंट यहाँ पे नीट में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है सो so, जवाब आपके सामने आ गया है जी स्क्रीन पे जो एनिमल आपको दिखाया गया ए दैट इज यूरेलिया यूरेलिया होता है जी जलीफिश राइट जीफिश मेड्यूसा स्टेज है ये एडम्सिया एडम्सिया होता है बेटा जी सी एनिमोन एडम्सिया सी एनिमोन सी फ्लार भी बोलते हैं नाइडोब्लास्ट जो है ये खास के सोहम ने सही कहा है प्रणौती ने भी ठीक बोला है तृप्ति यू आर ऑल्सो करेक्ट संस्कृति हेमराज प्रतिभा वंडरफुल जी नाइडोब्लास्ट है स्टिंगिंग सेल्स बहुत सारे काम करते हैं ये नाइडोब्लास्ट फूड कैप्चरिंग में ऑफेंस एंड डिफेंस में एनकरेज में नाइडोब्लास्ट आर फॉर सिंगल यूज ओनली एक बार डिस्चार्ज हो जाने पे नाइडोब्लास्ट खत्म हो जाते हैं फिर दे आर मोस्ट अबंडेंट ऑन दी देंटिकल ऑफ द एनिमल राइट और यहां पे एक बात याद रखना की जेलीफिश जो है 99% ऑफ द बॉडी ऑफ जेलीफिश इज वॉटर जेलीफिश के केस में भी जो फर्टिलाइजेशन है वो आई मीन द डेवलपमेंट इट इन दी लार्वल स्टेज इन डायरेक्ट डेवलपमेंट है लार्वे याद है आपको इफायरा स्काइफिस के लार्वे हैं ओवरऑल इस फाइलम में प्लेनोला लार्वा भी पाया जाता है सी एनिमोन आपके सामने है क्लियर है जी जिनको सी फ्लॉर्स भी बोलते हैं वेरी गुड अनूठीक बोला आपने चलिए अंश ने सही बोला है आप देखते सो आई वॉन्ट टू नो कि आप जल्दी से मुझे इनके कॉमन नेम्स लिख करके भेजिए ध्यान रखना है पॉलिप एंड मेड्यूसा आर टू ऑल्टरनेट फॉर्म्स इन दी लाइफ साइकिल ऑफ निडेरियंस पॉलिप रिप्रोड्यूस एक्सुअली टू फॉर्म मेड्यूसा

हां जी अकू अकू कह रहे हैं जी मेरा नाम लीजिए वेल आपका नाम ले लिया मैंने बिल्कुल सही कहा सबने सी पेन इज पैनाटोला पेनाटोला इज सी पेन ये भी सही जवाब है राजा बेटा आपका एडेमसिया इज सी एनिमोन चलिए स्क्रीन पे आपके सामने नाम आ चुके हैं याद होने चाहिए साथ के साथ फाइजेलिया पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर ऐसा क्यों कहते हैं पानी में फैजिया जब तैर रहा होता है तो देखने में ऐसा लगता है जो पुर्तगाली सोल्जर्स है पोर्चुगीज सोल्जर्स की हाइट की तरह टोपी की तरह उनकी अडेम्सिया इज सी एनीमोन सी एनीमोन को राजा बिटा सी फ्लार भी कहा जाता है सी एनीमोन को सी फ्लार भी कहते हैं पेनाटोला इज सी पेन राइट

रसिका वाहिद सुमन शियान रूपाली अंकित युक्ता बिल्कुल शियान आपने सही कहा मियन ब्रेन कोरल श्रीना चक्रवर्ती आपके भी जवाब सही है पुनीता आपने करेक्ट जवाब दिया है वैष्णवी जयंत वांड जी चलिए जितने बच्चे देख रहे हैं सबने लाइक का बटन नहीं दबाया अभी जल्दी से कम ऑन 232 हंड्रेड एंड थर्टी टू पीपल लेट्स लेट्स मेक इट एक्साइटिंग सेशन जितना हम ये पढ़ रहे हैं एनसीआरटी एट योर फिंगर टिप्स फॉर एनिमल किंगडम ये आपके टिप्स पे अगर आ जाएगा ना बेटा आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा ट्रस्ट मी ये नाम इससे ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे आपसे चलो नेक्स्ट बढ़ू क्वेश्चन करें डिस्कस सन 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है राजा बेटा मेटाजेनेसिस के बारे में अभी मैंने आपको डिस्कस करते टाइम ही बताया मेटाजेनेसिस पॉलिप एंड मेड्यूसा स्टेज जो है वो निडेरिया फाइलम से रिलेटेड है शेप्स को रेफर करता है पॉलिप इज समथिंग विच इज टिब्यूलर इन शेप मेड्यूसा इज अम्ब्रेला शेप्ड कई नीडेरियंस ऐसे होते हैं जिनके जीवन चक्र में पॉलीपैन मेड्यूसा स्टेज अल्टरनेट करती हैं सो so, कुछ उसी से रिलेटेड सवाल है जी ये अलीना प्रणव कल्याणी युक्ता पवन लवकेश लवकेश कुमार जी कह रहे कभी मेरा भी नाम लीजिए आपने इतने प्यार से बोला और देख लो उसी समय मेरी नजर स्क्रीन पे चली गई रशिका जल्दी से बताओ ओके आंसर आ चुका है जी मेटाजेनेसिस रिफर्स टू मैं ऑप्शंस पढ़ता हूं आपके लिए

पॉलिप रिप्रोड्यूसिस ए सेक्सुअली टू फॉर्म मेड्यूसा मेड्यूसा रिप्रोड्यूस सेक्सुअली टू फॉर्म पॉलिप और कौन से जानवर के जीवन चक्र में आपने ये बात पढ़ी है ओबीलिया में ओबीलिया जिसको कॉमनली कहते हैं सीफर ओबीलिया शोज मेटाजेनिस Do not नॉट कंफ्यूज विद मैटास्टेसिस याद कीजिए राजा बेटा मेटास्टेसिस आपने कैंसर में पड़ा होगा जो malignant tumors होते हैं जिनके सेल्स टूट टूट के शरीर में बिखरने लगते हैं कंफ्यूज नहीं होना है क्लियर है राजा बेटा फोजिया शियान अंशुलिका रूपाली प्रणय ज्योति सुमन सुवर्णा ग्रेट चलो, आगे बढ़ते हैं अब जल्दी से Select द taxon शन दैट रिप्रेजेंट बोथ मेरी एंड फ्रेश वॉटर एनिमल सन 2014 में पूछा गया है आपको बताना है वो टेक्सॉन जिसमें फ्रेश वॉटर भी जानवर हूं और मेरीन भी हूं ध्यान दीजिएगा चार ऑप्शन इकाइनोडम्स यानी इकानोडरमेटाफाइलम टीनोफोराफाइलम सिफेलोकोडाटा या फिर निडेरिया जल्दी से देखते हैं सबसे पहले सही जवाब कौन देता है हेमंत कुमार बिलाल हाँ जी अरमह आप लोग क्लियर आईडी रखेंगे ना तो आपका नाम लेना भी अच्छा लगता है हमें आप नाम रख रहे हैं टेक्निकल और ये वो सो कम विद योर ओन नेम आपका नाम आपकी पहचान है फोर्थ का इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे निमे भी है निमे ने कहा डी बिल्कुल सही जवाब है राजा बेटा निडेरिया इसमें से आंसर होगा निडेरिया क्यों क्योंकि इकाइनोडर्म्स जो हैं एक्सक्लूसिवली मेरीन होते हैं इकाइनोडर्म्स आर बॉटम ड्वेलर्स डार्वा इज बायोलेट्री सिमेट्रिकल एडल्ट इज रेडियली सिमेट्रिकल टीनोफोरा एक्सक्लूसिवली मेरीन एनिमल्स बायोल्यूमिनसेंस शो करते हैं टीनोफोर कॉमनली हम उन्हें सी वॉलनट या कॉम्ब जेलीज कहते हैं देर आर एट रोज ऑफ सिलियेटेड कॉम्ब प्लेट्स एक्सक्लूसिवली सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हारमेफ्रोडाइड सिडी लार्वा लार्वाडाटा में नहीं होगा that's the blueprint of Cordata, आपने इसमें है ना? So answer होगा Nideria. सभी aquatic होते हैं पानी में लेकिन freshwater, marine दोनों तरह के पाए जाते हैं सो आसान क्वेश्चन था सॉल्व कर पाया आप निडेरिया फाइलम से चलिए अब पहचानिए ये कौन सा एनिमल है और ये किस फाइलम को बिलोंग करता है स्क्रीन पे आपके सामने एक फुटबॉल जैसा क्रिएचर है जिसकी टेंटिकल्स निकल रही हैं बताइए जी अमरह सैयद संकटमोचन श्रवण सौरभ वैष्णवी अर्शा अहमद सुकीर्ति आशीष Come on, जल्दी से जवाब दीजिए ये कौन सा फाइलम आपके सामने दिखाया जा रहा है यस yes, दीपक आपने सही कहा इज अ फ्रेश वाटर एनिमल टीनो फोरा जवाब शियान ने दे दिया है दीपक ने भी सही कहा है निमे राइट

और खास फीचर्स क्या है ये लाइट भी प्रोड्यूस करते हैं बायोल्यूमिनेसेंस एट रोज ऑफ सिलियेटेड कोम्ब प्लेट्स विच हेल्प इन लोकोमोशन एक्सक्लूसिवली मैरीन एनिमल्स सिडिपिड लार्वा इन देयर लाइफ साइकिल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हर्मेफ्रोडाइट एक खास तरह के चिपकने वाले एडहेसिव सेल्स इनमें पाए जाते हैं राजा बेटा दोज एडहेसिव सेल्स आर कॉल्ड कोलोब्लास्ट्स इनके ज्यादातर फीचर तो नेडरिया जैसे हैं लेकिन निमेटोब्लास्ट नहीं होते इनमें नाइडोब्लास्ट नहीं होते इज इट क्लियर जी राइट right? uh, संस्कृति है शायद आपका नाम आप कह रहे हैं जी मेरा नाम लीजिए नाम लेने के लिए कंपेल करना सही बात नहीं है आप सही जवाब दीजिए बहुत से बच्चे आप देख रहे हैं चैट पे ऐसे जो सही जवाब दे रहे हैं तो उनका नाम लिया जा रहा है ओके okay जी राइट प्रणव दीपक अंशिका, अमन, साबिक, युक्ता, सुकृति, अलीना, ग्रेट। जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं जी ये एनिमल पहचानी कौन से फाइलम के हैं और इनका नाम क्या है ये भी आसान है जी फाइलम कौन सा है और ये दो एनिमल्स जो दिखाए गए हैं इनके नाम जल्दी से बता दीजिए ये पहला फाइलम है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक आपको मिलता है इससे नीचे डिप्लोब्लास्टिक थे सो so, क्लू मैंने आपको दे दिया पहला ट्रिप्लोब्लास्टिक फाइलम एंड दीज एनिमल्स शो बिगिनिंग ऑफ सीफिलाइजेशन हेड फॉर्मेशन की शुरुआत इनमें आपको मिलती है कमन जल्दी से आप देख रहा हूं सबसे पहले कौन जवाब देता है प्ले mm हलमिथर्स -mm -mm. कहा है आई थिंक आकाश नहीं कहा था ग्रेट कोलोब्लास्ट में लासो होता है किसी ने ये भी लिखा है बीच में बिल्कुल ठीक है फ्लैट वर्म्स यू आर करेक्ट जी सो so, ये जानवर जो आपके सामने हैं दो एक तो ये टेपवम है टीनिया सोलियम पोर्क टेपवम दूसरा आप देख पा रहे हैं दैट इज फेसियोला फ्लूक फाइलम कौन सा है जी प्लेटी हेलमिंथस प्लेटी वर्ड का मतलब होता है फ्लैट

हम एनिमल्स हैं ये भी ज़्यादातर हमें ही हैं और इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है बहुत सारी लार्वल स्टेजेस हैं शीप लिवर फ्लूक का लाइफ साइकिल जो है वो डाईजेनेटिक होता है वो शीप में और स्नेल में कंप्लीट होता है इसकी लार्वल स्टेजेस आपको बताई थी मेरासिडियम स्पोरोसिस्ट रेडिया सर्केरिया एंड मेटासर्केरिया ऐसे ही जो टेपवम है पोर्क टेपवम पोर्क टेपवम का लाइफ साइकिल जो है वो भी दो होस्ट में कंप्लीट होता है यानी ह्यूमंस एंड पिग याद कीजिए लार्वल स्टेजेस लार्वल स्टेजेस में हमने पढ़ा था द जाइगोट डेवलप्स थ्री पेयर्स ऑफ काइटनस हुक्स जिसको हेक्साकेंथ लार्वा कहते हैं हेक्साकेंथ गेट्स सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन्स और उसको ऑनकोस्फियर लार्वा कहते हैं

ऑनकोसवीर uh, के चारों तरफ मेमब्रेन हैं, वो डिसॉल्व हो जाती हैं। हेग्जा लार्वा फ्री हो जाता है हेग्जा हैज थ्री पेयर्स ऑफ काइटनस हुक्स इंटेस्टाइन की वॉल की को पेनिट्रेट करके पिग की ब्लड वेसल्स में चला जाता है पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता हुआ पिग के मसल्स में चला जाता है पिग के मसल्स में जाने के बाद अपने चारों तरफ एक सिस्ट बना लेता है और तब हम उसे कहते हैं सिस्टी सर्कस लार्वा सर्कस लार्वा अपियर्स एज वाइट डॉट्स ऑन मसल्स ऑफ पिग सच एन इन्फेक्टेड पोर्क इज कॉल्ड मीजली पोर्क इंसानों में इंफेक्शन कब होता है जब इस तरह का मीजली पोर्क हम कंज्यूम कर लेते हैं, चाहे उसे अच्छे से पका के भी खाया जाए तब भी वो पोर्क जो है इफेक्ट कर देता है हमें युक्ता ने सही कहा है बिल्कुल जी राइट युक्ता योर आंसर राइट, सुकृति विश्वास एपोलाइसिस होता है बेटा ये पीछे की जो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड है ना ये टूटती रहती हैं ये टेपवम की बॉडी से टूट के होस्ट की एक्सक्रीटा के साथ बाहर आ जाती हैं और पिग इन पे फीड करता है और इन्हीं प्रोग्लोटिड्स के अंदर राजा बेटा लार्वे होते हैं जो पिग के शरीर में चले जाते हैं इज इट क्लियर दोनों के बारे में चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया सन दो में प्लेनेरिया जो कि प्लेटी हलमथस का ही मेंबर है रीजेनरिया बेटा जिसे डुगेसिया भी कहते हैं प्लेटी हलम की तीन क्लासेस है टर्बिलेरिया ट्रेमेटोडास्टोडा दिस इज अ टर्बिलेरियन राइट दे क्रिएट अ काइंड ऑफ टर्बुल वॉटर जिसके कारण टर्बिलेरिया नाम है हाँ जी बेटा जी बताइए जल्दी से प्लेनेरिया पे क्या आंसर होगा इन ऑप्शन में से मोहित मोहन ऋषिकेश रीजेनरेशन सही जवाब आ रहा है जी दैट्स ग्रेट बिल्कुल सही कहा आपने रीजेनरेशन प्लेनेरिया में रीजेनरेशन की एबिलिटी बहुत अच्छी होती है दोनों शो करता है यदि आप इसे ऐसे भी दो हिस्सों में काट देंगे तो प्लेनेरिया वेरी गुड एबिलिटी ऑफ रीजेनरेशन ये सन दो हजार चौदह में पूछा गया है ए एग्जाम में आई होप आपके एग्जाम में भी कुछ इस तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आए लेकिन वो इतने भी सिंपल ना हो

क्रॉस मैच करके बताइए मुझे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा बोलिए जी प्रणाम जी हेम सिंह प्रणाम कर रहे हैं नमस्कार जी आपको तहे दिल से बताइए मेरे राजा बेटा सौरभ जी अजय युक्ता इजी है ना ये सब राइट right. रसिका पुनीता आकाश यश अहमद अंशिका आ, हेम सिंह जी आपने मुझे सौ बार प्रणाम लिख के भेजा मैं तहे दिल से आपको प्रणाम करता हूं कृपया आप, आप दोबारा मत लिखिए वो चीज बेटा जो आंसर पूछा गया है ना वो बताइए आप लोग कह रहे हैं बी ओके ठीक है मैं देखता हूं क्या बी सही जवाब है बी के अनुसार फर्स्ट मैच होगा थ्री से और ऑफ्यूरा इकानोडरमेटा से ब्रिटल स्टार जो है सही है जी टू का होगा फोर आपने कहा फाइजेलिया पोर्चुज मैन ऑफ वॉर है सीलन ट्रेटा बिल्कुल सही कहा जी आपने देन यू सेड थ्री का वन पिंकटाडा मोलस्का फाइलम का मेंबर है पर्ल ऑस्टर जो होता है फोर का टू दैट इज प्लेनेरिया प्लेटी हेलमिंथस एकदम सही जवाब पूरे मार्क्स आपको दिए जाते हैं ओके चलो आगे बढ़ते हैं पहचानिए ये एनिमल जो आप इस समय मेरे पीछे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इसका फाइलम बताइए और इसका नाम बताइए मुझे एनिमल की इमेज आपके सामने आते ही एकदम से फाइलम स्ट्राइक कर जाना चाहिए और उसके सारे फीचर्स खटाक खटाक आपके दिमाग में आ जाने चाहिए कोई मुश्किल नहीं है चीज़ें बस आप में जज्बा होना चाहिए आपके अंदर जो है ना एक हिम्मत होनी चाहिए कि भाई मैंने करना है एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम कुछ इतना मुश्किल नहीं है एंड के टाइम पर इनको रिवाइज़ करना और ज़्यादा अच्छा रहता है बल्कि बताइए बेटा जी सो so, फ़ाइलम का नाम अभी तक नहीं आया मुझे एशल मिंथस बिल्कुल बिल्कुल आकाश नहीं दिया ये भी जवाब आई थिंक शियान ने भी सही बोला है जयंत ने सही बोला है बिल्कुल

कॉमन राउंड ध्यान रखिएगा एस्कैरिस का जो इन्फेक्शन है एस्कैरियासिस एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स इट इज द मोस्ट कॉमन इंटेस्टिनल पैरासाइट ऑफ ह्यूमंस कई बार ना क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं व्हिच इज द मोस्ट कॉमन इंटेस्टिनल पैरासाइट ऑफ ह्यूमंस मोस्ट कॉमन इंटेस्टिनल पैरासाइट ऑफ ह्यूमंस एक चीज आपको और रखनी है। मेल और फीमेल को भी पहचानना है मेल के केस में राजा बेटा मेल इज स्मर इट हैज कर्व्ड टेल फीमेल एस्कैरिस कंपेरेटिवली लॉन्गर होता है, है ना मेल में पाइनियल सीटें भी होते हैं यहाँ पे इस फ़ाइलम में में आपको सेक्सुअल डायमोर्फिज्म देखने को मिलता है मतलब सेक्सेस सेपरेट है और आप देख करके एनिमल को पहचान भी सकते हैं मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है बॉडी लॉन्गेटेड है सिलेंड्रिकल है रेबडिटी फॉर्म लार्वा आपने कहा मस्कुलर फेरिंग्स वेरी गुड एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर प्रियंशुम वो होता है mesodum, so शियान सही लिखा आपने डॉली बिल्कुल करेक्ट आपका जवाब अमरा तो शाबिर चलिए आगे बढ़ते हैं राजा बेटा इसी फाइलम के कुछ और एनिमल्स जिनके नाम एनसीआर में दिए हुए हैं इसी फ़ाइलम के कुछ और एनिमल्स जिनके नाम एनसीआर में दिए हैं अभी-अभी हमने डिस्कस कर लिया कॉमन राउंड इसे वुचेरेरिया और एनकाइलोस्टोमा का नाम बताइए मुझे वुचेरेरिया चेरेरिया बॉन जिसके बारे में आपने पढ़ा है शिवाजी सही लिखा आपने रसिका जयंत तो बताइए वुचेरेरिया क्या है वुचेरेरिया का कॉमन नेम कम ऑन जल्दी से हाँ जी फॉल्स सिलोमेट वर्ड आपने सही लिखा है ग्रेट नित्या मैंने आपसे पूछा नाम बताइए वुचर एरिया बेनक्रॉफ्टी का राउंड वम नहीं कहते वुचर एरिया को वुचर एरिया फिलेरियल वम सही जवाब दे दिया आपने करेक्ट वुचर एरिया बेनक्रॉफ्टी दिस इज फिलेरियल वम एस्कैरिस Common round worm. What is ankylostoma duodenale? Hook worm. Ankylostomiasis cause karta hai Infection is more common in children, right? Anal itching bhi cause karta hai ye bhi Ankylostoma duodenale. Okay. Filarial worm के बारे में आपने पढ़ा होगा. Wuchereria जो है. कौन सी disease करता है? Filariasis जिसे elephantiasis भी कहते हैं. हाथी पाँव भी कह देते हैं. क्यूलेक्स मॉस्किटो इसके लार्वे को स्प्रेड करता है माइक्रोफिलेरिए जो इसके लार्वे होते हैं क्लियर है जी जिसमें कि स्वेलिंग हो जाती है लिम्फ की वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं ना लार्वे सो so, ग्रेविटी के कारण द लिम्फ टेंड्स टू एक्यूमलेट इन द लोअर बॉडी रीजन हाथ पैर सूज जाते हैं लेग्स इवन स्क्रॉटल एरिया फीमेल में वल्वा एरिया भी एक्सेसिव स्वेलिंग हो सकती है ये नाम एनसीआरटी के हैं एज इट इज याद करेंगे आप चलिए अब आपके जल्दी-जल्दी प्यारे-प्यारे थम्स अप मेरे तक पहुंचने चाहिए कि सर आगे बढ़िए फिर हम नेक्स्ट फाइलम की तरफ बढ़ते हैं इसी में से हमने पिनवर्म सीटवर्म थ्रेडवर्म भी पढ़ा था एशलमिंथस में ऑक्सुरियस या एंटीरोबियस कहते हैं लोआ लोआ बताया था आईवर्म वो भी याद रखना कुछ एक दो एक्स्ट्रा भी मैंने आपको बताए हुए हैं नाउ जिन लोगों ने आ, एनिमल किंगडम के लेक्चर नहीं अटेंड करें मैं आपको बता दूं अन अकेडमी चैनल पे सेम चैनल जिस पे आप मुझे देख रहे हैं प्लेलिस्ट देखिएगा बेटा एनिमल किंगडम पे मैंने सारी क्लासेस ऑलरेडी ली हैं पूरे लेक्चर्स अवेलेबल हैं फास्ट स्पीड पे आप उसे देख सकते हैं थम्स थम्सअप भेजिए जी जल्दी से मजा आ रहा है अनुष्का अंशिका मोहम्मद इफरार ग्रेट चलिए बताइए जल्दी से ये वाला फाइलम एनेलिडा सही जवाब दे दिया आपने दिस इज एनेलिडा आपने एनिमल्स भी पहचान लिए बच्चों ने कि नीरीज है और हीरोडिन एरिया है करेक्ट जवाब जी एनेलिडा एन्युल्स द बॉडी सेगमेंट्स एन्यूलाई आर द ग्रूव्स दोनों एनिमल को देख के ही पहचान जाना है आपने ये है नीरीज जिसको सैंड वर्म भी कहते हैं ये है ब्लड सकिंग एक्टोपैरासाइट लीच दैट इज हीरो ग्रेनुलोसा या सिंपली हीरो कह देते हैं सो so, नीरीज इज सैंडवर्म रैगवर्म भी बोल देते हैं क्लैम वर्म भी बोल देते हैं हीरोडिनेरिया क्या है लीच लीच एक्टोपेरासाइट है ब्लड सकिंग है लीच की बॉडी में जनरली 33 सेगमेंट्स होते हैं और लीच जब काटती है आई एम सॉरी द द कॉज्ड बाय बाइट ऑफ लीच लीच इज वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बना देता है है वो leech के सलाइवा में एक एंटी कोएगुलेंट होता है. मैं चाहूंगा कि आप मुझे उसका नाम बताइए लीच के सलाइवा में एंटी कोएगुलेंट कौन सा है मैंने स्लाइड भी आगे कर दी है जिसमें आपको नीरीज का नाम बताना है मुझे वैसे मैंने आपको बता दिया बातों बातों में नीरीज इज स इसको क्लैम वर्म भी कहते हैं रैग वर्म भी कहते हैं रैग वर्म फेरिटीमा और हीरो भी हमने डिस्कस कर लिया भाई दिस इज लीच ब्लड सकिंग लीच हीरोडो मेडिसिनलिस भी होता है एक मेडिसिनल लीच पैरापोडिया नीरिज में पाए जाते हैं बिल्कुल सही कहा आपने एंटीक्वेगुलेंट हीरोन बिल्कुल जी चिंकिता ने सही बोला है आयुष्मान तो लीच थेरेपी बेटा जैसे फ्लेबोटॉमी कहते हैं ब्लड लेटिंग सर्जरी भी बोल देते हैं सो so, लीच का इस्तेमाल पुराने जमाने में सर्जरी में भी किया जाता था लीच के सलाइवा में जो एंटीक्गोलेंट है जैसा कि आप मुझे बता रहे हैं अभी लीच के सलाइवा में एंटीक्गुलेंट पाया जाता है हीरोडिन राइट जैसे फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो है वो हमें काटते हैं उनके सलाइवा में भी एक एंटीक्गुलेंट है दैट इज एनोफेलिन राइट व्हाट इज फेरिटीमा फेरिटिमा होता है बेटा अर्थवम द कॉमन इंडियन अर्थवम इज फेरिटिमा। इसके अलावा लुम्ब्रिकस भी मैंने आपको बताया था यूरोपियन अर्थवम मेगा स्कॉलेक्स दैट इज द्रविड़ा अर्थवम और द साउथ इंडियन वेराइटी एनेलिडा फ़ाइलम के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की अगर हम जिक्र करें एनेलिडा दिमाग में आते ही सबसे पहली बात जो आती है कि सेगमेंटेड वर्म्स है मेटामैरिज्म -like है इनमें एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी वॉल विच आर कॉल्ड पैरापोडिया दे आर प्रेजेंट पैरापोडिया के ऊपर माइन्यूट काइटेनस ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है विच आर कॉल्ड सीटे विच आर हेल्पिंग इन लोकोमोशन एनिलिडा में ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप ऑफ बॉडी प्लान है डेफिनेट माउथ है डेफिनेट एनस है एक्सक्रीशन के लिए खास तरह के स्ट्रक्चर्स जो एनेलिडा में पाए जाते हैं दे आर कॉल्ड व्हाट चलिए एनेलिड्स के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स का जिक्र हो जाए जल्दी से एक बार फिर हम क्वेश्चन देखते हैं आगे डेट्राइटी है बिल्कुल जी मिट्टी खाता है अर्थवम सही बोला आपने अर्थवम के केस में हेमोग्लोबिन इज डिजॉल्व इन प्लाज्मा फ्रेंड ऑफ फार्मर भी कहते हैं अर्थवम को बिल्कुल सही कहा आपने सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है अलीना मेटामेरिज्म लिख के भेज रही है सही जवाब है डॉली सीट इज करेक्ट आंसर अभिनय द दूंट कॉज बोला आपने नेफ्रीडिया पुनीता ने जवाब दिया डॉली ने जवाब दिया आकाश ने भी जवाब दिया नेफ्रीडिया होते हैं बेटा इनके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स एनालिट्स में नेफ्रीडिया पाए जाते हैं चलिए क्वेश्चन देखते हैं ओडिशा नीट टू थाउजेंड नाइनटीन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रू सीलोमेट्स विद बायलेट्रल सिमिट्री जिनमें बायलेट्रल सिमिट्री भी हो और ट्रू सीलोमेट हो एडल्ट इकाइनोडम्स एश हेलमिंथर्स प्लेटी हेलमिंथर्स या फिर एनलिट्स इजी है सवाल जल्दी से जवाब आना चाहिए आपका शिवाजी वाहिद सुकन्या लाइक दबाते रहिएगा कमेंट भी जरूर किया कीजिए जब वीडियो अपलोड हो जाता है आपके कमेंट्स में जरूर पढ़ता हूं और करके उन्हें भी करता हूं और जवाब भी देता हूं आपका सही जवाब है, है। हमसे पूछा गया था ट्रूसिलोम तो भाई ट्रू सिलोम में ये तो ट्रू सिलोम नहीं है ये भी नहीं है और बायोलेट्रल सिमिट्री तो एडल्टेट्रल सिमिट्री नहीं है

2018 अंकित अलीना आदर्श ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन आया देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं जयंत बताइए क्वेश्चन है ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो किसमें मेटामोसिस नहीं होता है मेटामोसिस होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अमेच्योर लार्वल इंडिविजुअल इनटू इंटूअ सेक्शुअली मेच्योर दैट इज कॉल्ड मेटामोरफोसिस तो स्टारफिश का तो लार्वा होता है स्टारफिश एस्टिडिया क्लास को बिलोंग करती है ना सो so, इनमें तो लार्वा पाया जाता है जल्दी से बताइए अनन्या अलीना थोड़ा दिमाग घूम गया ए इज द करेक्ट आंसर इन दिस अर्थवम अर्थवम का लार्वा नहीं होता अर्थवम का कौन सा लार्वा आपने पढ़ा है बताइए यंग वन होता है अर्थवम का ट्यूनिकेट्स में लार्वा टेडपोल पाया जाता है मौत के केस में भी लार्वा होता है कैटरपिलर लार्वा पाया जाता है ग्रेट जी सो आंसर इज अर्थवम फेरीटीमा इट डेव एस नेक्स्ट बच पहचानिए कौन से फाइलम का जिक्र हो रहा है यह तो बड़ा ही आसान है भाई कीड़े मकौड़े आपको नजर आ गए हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फाइलम का जिक्र हो रहा है और ये एनिमल्स कौन से है साथ के साथ एनिमल भी पहचानना है अहमद यश एनिमल भी पहचानेंगे बेटा जल्दी से बिलाल अलीना युक्ता रूपेश शफाली चिन्मय कितनी तेजी से आपके मैसेजेस स्क्रॉल कर रहे हैं उन्हें ट्रैक कर पाना मुश्किल है आर्थ्रोपोडा सही जवाब आ गया है जी बिल्कुल सही कहा आपने आर्थ्रोपोडा द फाइलम इज आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम द मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल्स आर्थ्रोपोड्स में काइटनस एक्सोस्केलेटन है आर्थ्रोपोड्स में ज्वाइंटेड अपेंडेज हैं

जो स्टिंग जो होता है स्टिंग ऑफ स्कॉर्पियन इज द मॉडिफाइड लास्ट बॉडी सेगमेंट एंड प्रॉन है बहुत से लोग जो शौकीन है प्रॉन्स खाने के वो तो प्रॉन को देख के पहचान गए होंगे अच्छे से आर्थ्रोपोडा okay? में ही इंसेक्ट्स आते हैं में से ही, अब हमने कुछ जुआलॉजिकल हैं और उनके कॉमन नेम आपको बताने हैं एपिस बॉम्बेक्स लेफर जल्दी से बताइए व्हाट इज एपिस एपिस क्या होता है बॉम्बेक्स क्या है लेसिफर क्या है मेलपिगियन ट्रिब्यूल्स इंसेक्ट्स के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं बिल्कुल सही बोला है जी आपने कॉकरोच में भी मेलपिगियन ट्रिब्यूल्स हैं कॉकरोच का नाम आपको याद होना चाहिए पेरी प्लानिटा अमेरिकिया ग्रेट जी हनी बी जवाब सही आ गया है एपिस जो है मधुमक्खी होती है हनी बी बॉम्बेक्स मोराए इज द सिल्क वम रेशम का कीड़ा जैसे कहते हैं शैतूत के पत्ते खाते हैं ना लेसिफर लाका इज द लैक इंसेक्ट कमर्शियल प्रोडक्ट्स मिलते हैं इनसे एपिस इज हनी बी कई सारी हनी uh, बी की स्पीशीज़ हैं एपिस इंडिका एपिस फ्लोरिया एपिस मेलीफेरा एपिस डोरसाटा बॉम्बेक्स मोराई सिल्क वम सिल्क मिलता है इससे लेसिफर लाका इज द लैक इंसेक्ट जिससे लैक कमर्शियल प्रोडक्ट लाख की चूड़ियां भी होती है ना लैक बनाया जाता है इससे और देखते हैं जी आर्थ्रोपोडा में से ही लोकस्टा लिमुलस एनोफिलीज क्यूलेक्स एंड एडीज ये तो जाने पहचाने आपके जी एनोफिलीज क्यूलेक्स एंड एडीज लिमुलस बताइए मुझे किसे बोला जाता है लोकस्टा तीन नाम और आपके सामने हाँ जी थ्री नेम्स और हैं जो आप जल्दी से जवाब देंगे वाहिद निमय पुनीता सुनील शिवानी मनोज प्रनौती ग्रेट जी सो so, लोकस्टा जो है इज लोकस्ट टिड्डे जो हमने बोले थे ना अभी ग्रिगेरियस पेस्ट है झुंड में हमला करते हैं ये ग्रिगेरियस दिस इज ग्रिगेरियस पेस्ट लेमुलस किंग क्रैब लिविंग फॉसिल ये इंपॉर्टेंट है ये पूछा जा सकता है दिस इज लिविंग लिविंग फॉसिल फॉसिल वो जानवर होते हैं जिनमें पिछले हजारों सालों में कोई खास रिवोल्यूशनरी बदलाव नहीं हुआ है एनोफिलीज क्यूलेक्स एंड बेटा ये तो हैं एनोफिलीजीटो आप जानते हैं टाइगर मॉस्किटो है डेंगू फैलाता है चिकनगुनिया येलो फीवर क्यूलेक्स आपको पता है एलिफेंटिस के लिए एनोफिलीज जो है मलेरिया के लिए एनोफिलीज मलेरिया फैलाता है क्लियर है राजा बेटा राइट ठीक है बढ़ू आगे हो गया। साइन अपने केक्स एंड पेस्ट्रीज भेजिए। आज फरवरी है। चार साल बाद ऐसा दिन आता है ये तो आप जानते ही आज बताइए ट्वेंटी अगर कोई <coughs> है भाई जिनका बर्थडे है तो उन्हें विश कर दें बिल्कुल सही कहा आपने अरमा सैयद ये वैक्टर्स है जो बीमारियां फैलाते हैं ओके किंग क्रैप इज लिविंग फॉसिल ठीक बोला आपने अलीना शिवाजी ग्रेट जी थम्स आपके आ गए हैं <laughs> चलो आगे बढ़ो मैं नेक्स्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा के बाद फाइलम देखते हैं जी कौन सा आ रहा है ये रहा पहले तो क्वेश्चन एक विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट रिप्रेजेंट इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा जो बातें दी गई हैं नीट 2016 का क्वेश्चन है इनमें से आर्थ्रोपोडा फाइलम में कौन सी चीज एप्लीकेबल नहीं है वाहिद खान आदर्श डॉली जो फीचर्स आपको दिख रहे हैं पैरापोडिया ज्वाइंटेड अपेंडेजेस मेटामेरिक सेगमेंटेशन कौन सा फीचर आर्थ्रोपोडा पे एप्लीकेबल नहीं है जिनका जन्मदिन है जी आज उनको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं मे गॉड ब्लेस यू विद अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर नीट में एक बेहतरीन रैंक के साथ आपका सिलेक्शन हो यश आपका बर्थडे है जी चलिए हैप्पी बर्थडे है। पैरापोडिया

नाउ मैंने आपसे पूछा बताया था आपको कि कौन सा ऐसा खास फीचर था जो आर्थ्रोपोड्स की सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल्स सो बिल्कुल सही जवाब आपने कहा है जी इन जानवरों में जो एक्जोस्केलेटन है वो काइटिन का बना हुआ है काइटिन एक पॉलीसेक्राइड है इज सॉफ्ट एंड लेदरी लेकिन काइटिन जो है वो हार्ड हो जाता है किस वजह से या तो डिपोजिशन ऑफ प्रोटीन की वजह से जैसे स्क्लेरोटाइजेशन कहते हैं या कैल्शियम कार्बोनेट के कारण इंसेक्ट्स में प्रोटीन डिपोजिशन होता है स्क्लेरोटाइजेशन बाकी बातें सही नहीं है कंपाउंड आइज एंड में सेगमेंटेशन बाट्रल सेमिट्री ये बात सही नहीं है लैंड पे रह पाने के लिए एक्जोस्केलेटन जो है उनका काइटिनस वो सबसे महत्वपूर्ण रहा है

रितिका, रूपाली विशेष जयंत पुनीता मधु आ, दिस इज नेहा सिद्धांत अर्घा अफजान बताइए जी जल्दी से आ, फौजान ने कहा ए प्रणौती ने बिल्कुल ठीक है जी आप सब जी लोगों का जवाब वांडरफुल हाउस फ्लाई मक्खी जो है मस्का डोमेस्टिका बटरफ्लाई सीसी फ्लाई सिल्वर फिश ये सभी इंसेक्ट्स हैं सिल्वर फिश जो है बेटा

क्या ये प्रॉन स्कॉर्पियन एंड लोकस्ट है स्पॉन्ज सी एनिमोन स्टारफिश फिश है मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम अमीबा और मॉस्किटो है अर्थवम पेनवम सेम फाइलम वाले एनिमल्स ढूंढिए कौन से हैं शियान आपने ठीक लिखा है फिश ये भी आसान क्वेश्चन है आई एम श्योर विद इन मिनट आप इसका मिनट तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने विद इन आप इसका आंसर दे देंगे राइट right, राइटीसी फ्लाई जो है वो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है

मिला चलिए नेक्स्ट फाइलम जल्दी से पहचान लीजिए मेरे राजा बेटा विच इज दिस नेक्स्ट फाइलम दो एनिमल्स आपके सामने बने हुए हैं इनको पहचानिए है, जल्दी से ये कौन से हैं और इनका फाइलम बताइए मुझे एनिमल का नाम और कम ऑन क्विकली निवेदिता आकाश हाँ जी जवाब नहीं आया अभी तक मलस का शियान ने सही बोल दिया शियान यू आर स्टीलिंग द शो एज यूजल सो द आंसर इज फाइलम मोलसका सॉफ्ट बॉडीड एनिमल सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम स्टडी इज मेलाकोलॉजी पहला एनिमल यहाँ पे पायला दिखाया गया है पायला ग्लोबोसा एप्पल स्नेल और दूसरा है ऑक्टोपस डेविल फिश सलाइवा ऑफ ऑक्टोपस इज पॉइजनस कुछ कॉमन नेम्स और जोआलॉजिकल नेम्स वाला खेल खेल लेते हैं जी पायला का कॉमन नेम पिंक टाडा का कॉमन नेम पता होना चाहिए सीपिया का कॉमन नेम लॉलीगो का कॉमन नेम सो पायला जो है इसका कॉमन नेम देखते हैं बहुत से बच्चों ने जवाब दे दिया होगा अभी तक पायला इज एप्पल स्नेल पायला ग्लोबोसा पिंकटाडा वलगैरिस इज पर्ल ऑयस्टर राइट सीपिया इज कटल फिश इंटरनल शेल पाया जाता है इसमें ऑक्टोपस में शेल एब्सेंट है लॉलीगो इज सी स्क्विड कुछ और एनिमल्स भी हैं ऑक्टोपस

Among invertebrates, octopus has highly developed brain. Aplicia is see here Dentalium is tusk shell. ya elephant tusk shell bhi bolte hain Chito is chitin ya coat of male shell. Clear है? ये एक और question जो exam में पूछा हुआ है, मैं जल्दी से आपके लिए solve कर देता हूँ। पायला को cross match करेंगे redula के साथ, right? Pleurobrachiia comb plates, Tinea solium flame cells. बॉम्बेक्स जो है मैलपिगियन ट्रिब्यूल्स बॉम्बेक्स मोराई इंसेक्ट है ना इंसेक्ट्स में मैलपिगियन टिब्यूल्स होते हैं ये क्वेश्चन नीट 2019 में पूछा हुआ है देखो आसान क्वेश्चन है 2019 का शियान आंचल शारन युक्ता अंकिता आशीष अनुराग जी चलो जल्दी से अब देख लेते हैं ये नेक्स्ट क्विकली कवर करता हूं फिर आपकी नेक्स्ट क्लास भी है ये फाइलम बच्चे दिखाया गया इकानोडरमेटा

NCERT में दिए हुए ये कॉमन नेम्स और जुआलॉजिकल नेम्स वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज हैमिकॉडेट राइट और हैमिकॉडाटा में ये एग्जांपल है राजा बेटा बेलानोग्लॉसस व्हिच इज आल्सो कॉल्ड टंग वम या ऑक्स टंग ग्रेट चलिए एक क्वेश्चन पूछा हुआ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हैमिकॉडेट्स शेयर विद कॉडेट्स एक ऐसा फीचर जो हैमी कॉर्डेट और कॉर्डेट आपस में शेयर करते हैं वेंट्रल ट्रिब्यूलर नर्व कॉर्ड, फैरिंग्स विद स्लेट्स, फैरिंग्स विदाउट स्लेट्स। इट विल बी फैरिंग्स विद स्लेट्स।

किसी भी एजुकेटर से पढ़ सकते हैं बेटा जी ठीक है क्लास इलेवन का टाइम टेबल आपके सामने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्लास ट्वेल्थ का टाइम इंजीनियरिंग के लिए बेलाइकन को हिट कीजिए हैश टैग नीट लाइव डेली के साथ हमारे लेक्चर्स को सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा जैसे लेक्चर अपलोड होगा ना नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें क्लिक कीजिएगा आप तक पीडीएफ पहुंच जाएंगे राइट सो विश यू ऑल द बेस्ट विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट फ्यूचर नीट 2021 के लिए भी जो तैयारी कर रहे हैं वो बैचेस भी शुरू हो चुके हैं आप उन्हें ज्वाइन जौन कर सकते हैं कल मंडे से पहली क्लास है सो so, सब्सक्रिप्शन जो लेना चाहते हैं जल्दी कीजिए गॉड ब्लेस यू ऑल नमस्कार जी बाय बाय